नया चैप्टर, चैप्टर नेम कैपेसिटेंस। बेटा बैच के बाद पूछ लेना। आप लोगों ने मीटिंग लीव कर दी, वो हो गए थे। चलो अभी बैच के बाद बता दूंगा। चैप्टर नेम इज कैपेसिटेंस। बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या हमें सीखना है। शुरुआत करते हैं हम मोबाइल से। एक मोबाइल जो पूरी तरह से डिस्चार्ज है, उस मोबाइल की जो बैटरी है वो बैटरी है 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट। जब वो मोबाइल पूरी तरह से डिस्चार्ज होगा तो क्या उस बैटरी पे कोई वोल्टेज होगा? नहीं होगा। जब वो मोबाइल डिस्चार्ज है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, तब उस पर कोई वोल्टेज भी नहीं होगा, मतलब नो चार्ज नो वोल्टेज। अब आपने उस मोबाइल को लगाया काय से? चार्जर से। स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करोगे तो धीरे धीरे उस पर चार्ज स्टोर होगा, मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मोबाइल चार्ज होता जाएगा वैसे वैसे उस पर वोल्टेज भी डेवलप होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। जैसे जैसे चार्ज डेवलप होगा वैसे वैसे वोल्टेज भी आता जाएगा। वोल्टेज इंक्रीज होते 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 जब 12 वोल्ट हो जाएगा तब आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा बैटरी फुल चार्ज, मतलब अब बैटरी को और चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हमारे पास कंसेप्ट क्या बना कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जब तक किसी बॉडी को चार्ज नहीं मिलेगा तब तक उस पर कोई वोल्टेज नहीं होगा। क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जब हम यहां से प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो Q इक्वल आएगा सी डी। ये जो C है इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। This C is called capacitance. C equal Q by V. पहले जो बता रहा हूं वो देखो अभी। C equal Q by V. C क्या है? Capacitance. Capacitance मतलब capacity to
द चार्ज। यहां तक की बात आपको क्लियर हुई? कहीं कोई डाउट? यस और नो? अब इस कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो होनी चाहिए कूलम पर वोल्ट। इसी को कहा गया फैरेड। तो कैपेसिटेंस की यूनिट बिल्कुल अलग है, इसका नाम होता है फैरेड। हाँ बोलिए बेटा, क्या बेटा? फैरेड नाम है, जैसे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अब न्यूटन क्या है? न्यूटन का कोई मतलब तो नहीं है, नाम है। ऐसे ही कैपेसिटर की यूनिट होती है फैरेड। मार्केट में जो कैपेसिटर मिलते हैं वो यूनिट के हिसाब से मिलते हैं। कैसे? 1 माइक्रो फैरेड, 10^-6 फैरेड, 1 नैनो फैरेड, 10^-9 फैरेड, 1 पिको फैरेड, 10^-12 फैरेड। तो हर वो ऑब्जेक्ट जो चार्ज को क्या करेगा? स्टोर। उसमें होगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q/V। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ चार्ज को स्टोर करती है। अर्थ इंसुलेटर है, चार्ज को एक्सेप्ट करती है, स्टोर करती है, बस आगे कंडक्ट नहीं कराती। तो हमारी अर्थ में भी क्या होगा? कैपेसिटेंस। आपने देखा होगा जितने भी अर्थिंग वायर होते हैं वो सब जमीन में लगे होते हैं, क्योंकि अर्थ क्या है? चार्ज को एक्सेप्ट करती है, स्टोर कर लेती है और आगे कंडक्ट नहीं कराती, तो आगे करंट नहीं आता। इतनी बात आपको क्लियर हुई? क्या बेटा? पिको फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। इतना क्लियर हो गया? चलो, बुकलेट में पेज नंबर है 62। टॉपिक है पेज नंबर 62 पे। जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें कोई डाउट? बोलिए बेटा, यस और नो में बोलते जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेटा, दुनिया की कोई भी चीज जो चार्ज को एक्सेप्ट करेगी उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा C=Q/V। बट
अगर मैं स्पेशली बात करूं स्फेरिकल की, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल शेप, मतलब अगर बॉडी का शेप स्पेशली स्फेरिकल है तो देखिएगा कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मूला आएगा। ये रहा एक स्फेयर, वही अर्थ ले लो अपनी, ये है स्फेयर। जब इस स्फेयर को चार्ज मिलेगा क्यू, तब इस पर वोल्टेज डेवलप होगा वी। एक स्फेयर के लिए वोल्टेज का फॉर्मूला होता है 1/4 pi epsilon naught क्यू बाय रेडियस। एक स्फेयर को जब चार्ज मिलेगा तो उस पर वोल्टेज डेवलप होगा, उस वोल्टेज का फॉर्मूला है 1/4 pi epsilon naught क्यू बाय आर। तो सी इक्वल क्यू अपॉन वी की जगह क्यू से क्यू हो गया कैंसिल, तो सी आ गया 4 pi epsilon naught आर। कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला केवल और सिर्फ केवल तभी लगेगा जब शेप कैसा हो, स्फेरिकल। अब यहां 1/4 pi epsilon naught होता है 9 × 10⁻¹। तो 4 pi epsilon naught क्या हो जाएगा, 1/9 × 10⁻¹। यहां रख दो तो सी आ जाएगा आर अपॉन 9 × 10⁻¹। यहां से हमें ये पता चला कि सी रेडियस के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब स्फेयर की रेडियस जितनी ज्यादा होगी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। एक क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। बेटा अर्थ की रेडियस कितनी होती है, कोई बताएगा? अर्थ की रेडियस क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो अर्थ की जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। मतलब 6.4 × 10⁶ मीटर।
अर्थ की रेडियस। तो अर्थ का कैपेसिटेंस क्या होगा? सिक्स पॉइंट फोर इंटू 10 to the power 6 अपॉन 9 into 10 to the power 9। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 711 माइक्रो फैरेड। ध्यान से देखिए, अर्थ की जो कैपेसिटी है वो तक माइक्रो फैरेड में है। माइक्रो का मतलब कम होता है, 10 to the power -6 आता है। तो अर्थ की जो कैपेसिटी है वो माइक्रो फैरेड में है। इस बेस पर अब मैं एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछूं कि कैन अ स्फेयर होल्ड कैपेसिटी 1 माइक्रो फैरेड, सॉरी 1 फैरेड। क्या कोई ऐसा स्फेयर हो सकता है जिसकी कैपेसिटी 1 फेरेड हो? कैसे चेक करेंगे हो सकता है या नहीं? तो रेडियस से बेटा सी इक्वल क्या है? आर अपॉन 9 into 10 to the power 9। कैपेसिटी चाहिए 1 फेरेड। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर आएगा 9 into 10 to the power 9 मीटर, यानी कि लगभग 9000 किलोमीटर। जो कि अर्थ की रेडियस से भी ज्यादा है। सो इट इज इम्पॉसिबल टू मेक आ स्क्वायर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फेरेड। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक आ स्फेयर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फेरेड। लेकिन बना नहीं सकते आप ना। कैन यू मेक अ स्फेयर? क्या बेटा? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूं, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक आ स्फेयर, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक आ स्फेयर ऑफ रेडियस ऑफ कैपेसिटेंस 1 फेरेड। क्या बोल रही है बेटा? तो वो हम बना थोड़ी ना रहे, बना पाएंगे हमने? मेक मेक, ठीक है। ये दोनों नोट कर लिए आप लोगों ने? हाँ बेटा, क्या बेटा? हाँ
हाँ, अगर बॉडी पे खुद पे चार्ज है तो खुद पे भी वोल्टेज होगा। एक स्फीयर में अंदर और सरफेस पे सभी जगह वोल्टेज होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इसकी अभी डेरिवेशन रह गई है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में ही पढ़ाना है, जिसका पढ़ाया जाएगा जब कैपेसिटेंस खत्म होगा, तब आएगा ये रिलेशन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। तो अभी तक हमें पूरी कहानी में क्या पता चला कि अगर बॉडी स्फेरिकल शेप की है तो उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला है R/9 × 10⁻¹। और अगर वो स्फेरिकल शेप की नहीं है तो कैपेसिटी का फॉर्मूला है Q/V। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। एन ड्रॉप्स ऑफ मरकरी ऑफ इक्वल रेडियस एंड चार्ज। हमारे पास एन ड्रॉप्स ऑफ मरकरी है, सभी की रेडियस सेम है और सभी पे चार्ज भी सेम है। नाउ दीज ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू ड्रॉप। कंबाइन होके बन गई एक बिग ड्रॉप। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस? एन ड्रॉप्स ऑफ मरकरी के कैपेसिटेंस और वन बिग ड्रॉप के कैपेसिटेंस का आपसे पूछा गया है रेशियो। बिग ड्रॉप की रेडियस आपको नहीं पता, तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं कैपिटल आर। चार्ज की हमें जरूरत नहीं है फिलहाल, रेडियस एज्यूम कर ली आर। ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी करते थे 10th क्लास में 11th में। एन ड्रॉप्स ऑफ मरकरी को कंबाइन किया और कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बना ली, तो क्या चेंज नहीं हुआ? वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप विल इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल ड्रॉप। वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता जब एक चीज को कंबाइन करके दूसरी चीज बनाई जाती है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³ एन इंटू 4/3 πr³। 4 3 π से 4 3 π कैंसिल, तो कैपिटल आर क्यूब इक्वल आया एन इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो कैपिटल आर हो जाएगा n/1/3 r³ × 1/3। क्यूब को साइड ले गए, रेसिप्रोकल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, कुल मिला के कैपिटल आर आ गया n/1/3 × r। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को?
नहीं, हमें इनके कैपेसिटेंस का रेशियो चाहिए। तो कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। स्मॉल ड्रॉप में एन इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। 4 पाई बेटा, एक बिग ड्रॉप और एन स्मॉल ड्रॉप्स का रेशियो पूछा है। अगर एक 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 बिग और एक स्मॉल का पूछा होता तो एन से मल्टीप्लाई नहीं कर रही। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया कैंसिल। ऊपर कैपिटल आर को लिखेंगे एन पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, नीचे एन इंटू स्मॉल आर, कैंसिल हो गए। कुल मिला के रेशियो क्या आ गया, 1 अपॉन एन पावर 1 माइनस 1/3। तो 1 अपॉन एन पावर 2/3। यह है बिग ड्रॉप और स्मॉल ड्रॉप के कैपेसिटेंस का रेशियो। नोट कर लीजिए इसे। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। एक बिग ड्रॉप और एन स्मॉल ड्रॉप के कैपेसिटेंस का रेशियो, तो ऐसे करेंगे। अगर एक बिग ड्रॉप और एक स्मॉल ड्रॉप के कैपेसिटेंस का रेशियो पूछा जाएगा तो यहां एन नहीं आएगा। क्लियर है? यहां तक तो बात हुई स्फीयर की। मेन कहानी इसके बाद शुरू होगी। अब कहानी आती है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। सुनिए, ये बताइए, अभी अभी हमने देखा सी इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। अगर हमें कैपेसिटेंस को इंक्रीज कराना है तो बॉडी की रेडियस इंक्रीज करानी होगी, शेप इंक्रीज कराना होगा। बिना शेप और साइज में चेंज किए कैपेसिटी को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। यही दिख रहा है यहां से हमें कि अगर हमें कैपेसिटी इंक्रीज करानी है तो हमें शेप और साइज में चेंज करना होगा। जैसे
ये एक प्लेट है जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। इस प्लेट पर वोल्टेज होगा V, चार्ज होगा Q। इस प्लेट के कैपेसिटेंस होगा C इक्वल Q बाय V। हम चाहते हैं कि इस प्लेट की चार्जिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। इस प्लेट की चार्जिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए तो हमें प्लेट का साइज और बड़ा करना होगा। मानते हो ये बात? अब हम क्या करें इसके बगल में बिल्कुल ऐसी ही एक प्लेट और रख दें। जिस पर कोई चार्ज ना हो, जिस पर कोई चार्ज ना हो, तो जब इसको बगल में लाओगे तो इंडक्शन से यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इंडक्शन क्या होता है जो नए स्टूडेंट है वो सुन रहे हैं। आप एक स्केल को हेयर से रब करते हो तो स्केल पर चार्ज आ जाता है। फिर उस स्केल को जब आप पेपर पीस के ऊपर ले जाते हो तो उन पेपर पीस पे भी चार्ज डेवलप हो जाता है बिना टच किए। तभी तो वो पेपर पीस चिपकने लगते हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं इंडक्शन। बिल्कुल ऐसे ही ये चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पर इसके पास आप दूसरी प्लेट लाएंगे तो इंडक्शन से इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। जब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इस पर नेगेटिव वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। अब एक की बजाय कितनी प्लेट्स हो गई? दो। तो अब यहां हम V को वोल्टेज नहीं कह सकते, अब हम V को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V माइनस जीरो V। अब क्या हुआ? यहां नेगेटिव वोल्टेज डेवलप होने से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी बिना प्लेट का शेप और साइज चेंज किए। आपने कैपेसिटी को इंक्रीज करा दिया। इट इज कॉल्ड, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो व्हाट इज कैपेसिटर? अ सिस्टम इन विच कैपेसिटेंस कैन इंक्रीज विदाउट चेंजिंग द शेप और साइज इज कॉल्ड कैपेसिटर। इतना क्लियर हुआ? फिर से एक बार सुन लीजिए। ये सिंगल प्लेट थी, वोल्टेज पॉजिटिव था। दूसरी प्लेट आई,
माइनस में वोल्टेज डेवलप हुआ तो इस प्लेट का वोल्टेज कुछ कम हो जाएगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। आपने बिना शेप और साइज चेंज किए कैपेसिटेंस को इंक्रीज कराया। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। डाउट पूछिए। हाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या बना कि ये एक स्फीयर है, हमें इसकी कैपेसिटी इंक्रीज करानी है और बिना शेप और साइज चेंज किए, तो क्या करोगे? इस स्फीयर के पास एक और आइडेंटिकल स्फीयर रखोगे, ऑटोमेटिकली कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वोल्टेज कम हो जाएगा। तो उस सिस्टम को आप क्या कहोगे? कैपेसिटर। कैपेसिटर बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आपने मार्केट में देखे हैं। आप कभी भी किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का प्लेट निकालिए, सर्किट प्लेट, उस सर्किट प्लेट में ऐसे सिलेंडर्स टाइप के लगे होते हैं जिन पर 2 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड ऐसा कुछ लिखा होता है। ब्लू या ब्लैक कलर के होते हैं मोस्टली, इस तरह के यहां सोल्ड हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं सिलेंड्रिकल, इन्हें कहते हैं कौन सा? हाँ, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है बेटा हमारे, इनका काम है चार्ज को स्टोर करके रखना ताकि स्विच ऑन करते ही ये चार्ज को आगे कंडक्ट कराएं और जल्दी से सर्किट चालू हो जाए। ये हर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं बेटा, चाहे वो आपकी CFL की ट्यूब हो या टीवी का सर्किट हो, आप कोई भी सर्किट खोल के देख सकते हैं, उसमें आपको ये दिख जाएगा। चाहे तो आप अभी नेट पर सर्च कर लेना तो आपको इसका शेप देख के समझ में आ जाएगा कि आपने देखा है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है घर में इन्वर्टर की बैटरी। इन्वर्टर की बैटरी में एक साइड पॉजिटिव प्लेट्स लगी होती हैं, एक साइड नेगेटिव प्लेट्स लगी होती हैं, उसी को कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं रिस्ट वॉच के सेल, रिस्ट वॉच के या छोटे छोटे गेम्स जो आते हैं वो वीडियो गेम्स या टॉर्च लाइट, लेजर लाइट, उनमें जो सेल लगते हैं उन्हें कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। उनमें भी क्या स्टोर रहता है? चार्ज। फिलहाल इतना क्लियर है आपको? कोई कुछ पूछ रहा है? पूछिए। कितना तो बेटा कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा। प्रिंसिपल ये होता है कि जब आप एक पॉजिटिव वोल्टेज वाली चीज के पास नेगेटिव वोल्टेज वाली चीज लाओगे तो जो पॉजिटिव वोल्टेज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। वो न्यूमेरिकल में आएगा कि कितना डिक्रीज होगा, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट का काम है पहले वाले ऑब्जेक्ट का वोल्टेज डाउन कराना ताकि उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। हमारे सिलेबस में मेन है
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बेटा कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 to the power -12। ए है प्लेट एरिया और डी है गैप बिटवीन प्लेट। जैसे ये एक कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है और ये नेगेटिव प्लेट। ये है इनके बीच का गैप, ये कनेक्शन वायर है। तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन प्लेट्स के बीच में कुछ ना हो तो क्या है, एयर। एयर कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। बट अगर इन प्लेट्स के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब जैसे आपने घर में वैसी जो होती है, क्या उन प्लेट्स के बीच में एयर भरी होती है कि एसिड भरा होता है? यानी कि प्लेट्स के बीच में क्या भरा है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो जब कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेट्स के बीच में आ जाता है, तब ये जो एप्सिलॉन नॉट है कांस्टेंट, ये के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। मतलब तब सी का फॉर्मूला क्या होगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये तब है जब एयर है, ये तब है जब मीडियम है। याद रखिएगा जो आज मैं बोल रहा हूं, जब कभी एयर को रिप्लेस करके कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आएगा, तो जो एप्सिलॉन नॉट है इट विल इंक्रीज बाय के टाइम। हेयर के इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम। के क्या होता है यहां, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम। हर मीडियम के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है। जो प्लेट्स के बीच में एसिड भरा होता है उस के की वैल्यू, उसके लिए के की वैल्यू होती है 60। अगर प्लेट्स के बीच में एयर है तो ये फॉर्मूला है, जैसे ही एसिड भरा कैपेसिटी कितने टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, के कितना है 60। तो सी मीडियम विल बी के टाइम्स ऑफ इस पूरे की जगह। सी एयर, तो जैसे ही आप कोई एसिड भरोगे तो कैपेसिटी 60 टाइम्स राइज कर जाएगी। ये बात क्लियर हुई आपको? तो कोई डाउट? चलो,
अब जो आपको होमवर्क करना है, जो वीडियोस आपको देखना है वो लिख लीजिए, जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें मैं वीडियो भी दे दूंगा लिंक। फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, पेज नंबर 64। सेकेंड पेज नंबर 65, व्हेन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्ड, व्हेन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्ड। बस ये दो वीडियोस आपको फिलहाल कवर करना है। ठीक है।